अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीख रहे हैं बाबिल स्कैटर की कुछ और कमांड, जिसमें शामिल है स्केल, शेयर, एरेजर, सीजर और नाइफ। हम इसकी बेसिक फंक्शनलिटी के बारे में सीखेंगे, इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट पर असर अंदाज हो सकते हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पे स्केल कमांड बहुत अच्छा है यूज करने के लिए, अगर आप उसके किसी भी ऑब्जेक्ट के डिफरेंट स्केल्स पर डिफरेंट साइजेस के डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैं इसके अंदर विनो फिल कर देता हूँ, उसके आउटलाइन को मैं यहाँ से कोई आउटलाइन देता हूँ, तो अब आप इसको ये कर सकते हैं कि यहाँ क्लिक करके इसके डिफरेंट स्केल्स बना सकते हैं। किस तरह से? अब इसमें डिफरेंट एंगल से आप यूज कर सकते हैं। ये आपका जो है बेस पॉइंट है, इसको यूज करते हुए आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ से जो है स्केल कमांड ली और स्केल लेने के बाद आपका बेस पॉइंट ये रखा और ऑल्टर के बटन के साथ आपने यहाँ क्लिक कर दिया, ये आपके सामने खुल जाएगा बॉक्स। इसके यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये है, यूनिफॉर्म को मतलब है जिसकी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इनके विड्थ और हाइट एक साथ मुश्तरका तौर पर बढ़ेगी और कम होगी, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि आप हॉरिजॉन्टली विड्थ को अलग कम या ज्यादा करना चाहते हैं और वर्टिकली हाइट को कम ज्यादा अलग करना चाहते हैं। उसके बाद आपने यहाँ से क्लिक करके कॉपी कर देंगे। तो जैसे कि अगर इसका स्केल लेवल 100% था और उसके बाद मैंने इसको 10 तक कम कर दिया और उसको 90% पर रख दिया या 85% पर रख दिया, तो अभी 15% ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। और आप कंट्रोल डी दबाते जाए तो इसकी डिफरेंट एस्पेक्ट पे ये बंद हो जाएगा। कंट्रोल डी और ये इस तरह का व्यू क्रिएट हो जाएगा। इसी व्यू को एक दूसरे तरीके से अगर बनाना हो तो इसको इसके बराबर में रख लेते हैं यहाँ पे। और अब इसको मैं ये कर रहा हूँ कि इसका जो स्केल कमांड से जो बेस पॉइंट है, यहाँ से लेके मैं ये वाला बेस पॉइंट है तो इस कॉर्नर पे, जैसे कि इस कॉर्नर पर क्लिक करके ऑल्टर का बटन दबाऊंगा तो आप देखेंगे बेस पॉइंट इस वाला होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। पहले मैं क्लिक कर लेता हूँ और अब ये बेस पॉइंट यहाँ पे मूव हो गया और अब अल्टर का बटन दबा के यहाँ क्लिक करता हूँ, बेस पॉइंट अभी यहाँ पर है और 85 के स्केल के ऊपर लेके मैं कॉपी करता हूँ, तो आप देखेंगे कि फिर उसी तरीके से ये ऐसे कॉपी होना शुरू हो जाएगा। इसी के तीसरे एग्जाम्पल कुछ इस तरह हो सकती है कि अगर आप टॉप से करना चाह रहे हैं तो ये देखिए, अगर आप यहाँ पे उसको इस तरह से रख लें और फिर आप स्केल कमांड को यहाँ से यूज करते हुए अपना बेस पॉइंट टॉप पर रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे अपना बेस पॉइंट सेट किया और करने के बाद ऑल्टर का बटन दबा के यहाँ पे आपने 85 की वैल्यू को कॉपी किया, तो आप कंट्रोल डी करते जाए ये आपको, ये तो सेंटर में बन गए। अगर आप व्यू बनाने की बात समझे इसी चीज को, तो आप उनको डिफरेंट व्यूज को देख सकते हैं। मतलब अगर आप देखें ये स्टेट आप यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं, और अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप जो है व्यू अपना जो कर रहे हैं वो यहाँ अंदर खड़े होकर देख रहे हैं, आगे का ऑब्जेक्ट जिसपे आपको ये भी नजर आ रहा है, मतलब आप ऊपर से देख रहे हैं, ये स्ट्रेट लेफ्ट एंड टॉप। इसी तरह बॉटम का अगर कोई व्यू बनाना है तो इसी तरीके से अगर हम कोई कलर भर ले तो उसके हवाले से भी हम इसको कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम एक कलर भर लेते हैं फिलहाल और अब इसका एक व्यू बना लेते हैं। क्लिक करके यहाँ से मैंने स्केल कमांड लेके और हम इसको जो है ना बॉटम पे ऑल्ट का बटन दबा के सेट कर दिए और उसको कॉपी करता चला गया, तो ये इन साइड बनता चला जाएगा। कॉपी करने के बाद कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी करता चला गया, क्रिएट तो हो गया, लेकिन चूंकि कलर सबके सेम है तो आपको ज्यादा फर्क नहीं लग रहा होगा। आप इनके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, क्लिक करते जाए यहाँ से और यहाँ से कलर्स को चेंज करते चले जाए, तो ये व्यू आपका जो है उस तरह का क्रिएट होता चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप डिफरेंट व्यूज अपने क्रिएट कर सकते हैं स्केल कमांड की मदद से। अब स्केल कमांड के बाद हमारे पास शेयर कमांड। स्केल का तो काम यही है, इनमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट को आउटसाइड या इनसाइड दोनों साइड पे क्रिएट कर सकते हैं अपना व्यू पॉइंट सेट करने के बाद। अब आते हैं शेयर कमांड पे। तो शेयर कमांड थोड़ा सा इससे डिफरेंट है कि अगर आपको उसके बाद आपके पास कोई ऑब्जेक्ट इस तरह का क्रिएट होगा तो आप उसको शेयर कमांड को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो है यहाँ से इसको सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को और यहाँ पे शेयर कमांड अपने पे रख दो, शेयर कमांड लीजिए। अब आप इसका भी अगर आप सेंटर पर अपना व्यू सेट करके बटन दबाते हैं यहाँ पे देखिए एंगल आपको अपना सेट कर मतलब जीरो एंगल सेट करके उसको प्रीव्यू को दोबारा से करना तो ये मिल गया है। अब अगर मैं अपना एंगल जो है यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ तो मुझे हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली बताना पड़ेगा। अगर हॉरिजॉन्टली पे अपना एंगल सेट करता हूँ 45 के ऊपर, ये दोनों साइड पे इस तरह से 45 डिग्री पे स्ट्रेच हो जाएगा, स्क्यू हो जाएगा। और अगर -45 पे रखता हूँ तो ये इस तरह से हो जाएगा। और अगर इसको भी वर्टिकली करना चाहूँ तो वर्टिकली पर 45 पर रखते हैं तो प्रीव्यू करता हूँ तो इस तरह हो जाएगा, और अगर मैं इसको 45 पर रखता हूँ यहाँ से तो यहाँ से ये कुछ इस तरह हो जाएगा। ठीक है,
आप सवाल ये बताओ कि उसको किस तरह यूज करें, क्योंकि आप हॉरिजॉन्टली रख के इसका स्केल 15 पर रख ले और उसको प्रीव्यू ऑन कर ले और उसको कॉपी कर ले, तो अभी इसी बता दें कि मशीन ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता चला जाएगा। तो इस तरह से अगर कोई आपका डिजाइन क्रिएट होना होगा तो वो आसानी से हो जाएगा। इसी चीज को अगर आप कोई स्क्वायर बना के दोबारा से यहाँ पे कोई रिंग्स बना के और फिर आप उसको यहाँ से दोबारा से शेयर कमांड पर डिवाइड करते हैं और शेयर कमांड में क्योंकि अब अपना व्यू पॉइंट आप जो है सपोज इस कॉर्नर पर रख लेते हैं या बॉटम कॉर्नर पर रख लेते हैं, यहाँ क्लिक करके जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो इसी पोजिशन पर रख के मैं उसको कॉपी लेता हूँ, तो अब ये देखिए कुछ इस तरह से क्रिएट होता चला गया। ठीक है, तो इनमें भी आप डिजाइन से भी आप डिफरेंट कलर के कलर्स कर सकते हैं, करके आप यहाँ से अपना वही पैनल स्विचेस का या फिर जो है ओपन कर लें जिसमें से आप इनके अंदर कलर्स फिल करते चले जाए। अब आप महसूस कर लोगे कि एक तो कलर भर गया लेकिन दूसरे का कलर भर गया तीसरा, और इस तरह के डिजाइन आप डिफरेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर अपना व्यू बोर्ड आप दूसरी साइड पर रखेंगे तो ये कुछ हिसाब से डिजाइन को क्रिएट करना शुरू कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप भी कोई सर्किल को अगर और सर्किल को ऊपर की बात किसी को अगर आप कर रहे हैं ऐसे शेयर तो मार्च करिए शेयर की मार्च करिए कि सर्किल को रखिए सर्किल को रखिए आप उसको भी इस तरह से कॉपी करते हैं और फिर तब तो डी करते चले जाते हैं। देखिए इस तरह से कोई ना कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता ही चला जाएगा और उसको आप उसे मैनेज करना होगा। ठीक है, शेयर कमांड जो होगा उसके बाद हमारी इरेजर कमांड बहुत आसान है। इरेजर आपने कोई भी स्क्वायर या आपने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, स्टार हो सकता है, और इवन कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे मैं इसको सर्किल बना दूं एक स्क्वायर बना दूं, तो इसमें भी आप बहुत सारे से टारगेट अचीव कर सकते हैं। इरेजर कमांड जैसे आप मतलब जाके इरेजर कमांड को एक्टिवेट करते हैं, तो इरेजर कमांड के लिए आपने सबसे पहले अपना इरेजर का पॉइंट सेलेक्ट करना होगा, तो इसका साइज जो है आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं स्ट्रॉक से कितना बड़ा होगा, उसके बाद आप उसको जस्ट अप्लाई करते हैं तो उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, आप उसको इस तरह से अप्लाई करते हैं तो दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, अब ये चार हिस्सों में डिवाइड हो चुका है और इतना कलर के लिए कर रहे आप जस्ट क्लिक करके कोई भी कलर इजीली कर सकते हैं। देखिए कितने सारे से डिजाइन क्रिएट हो गए, इसी तरह से इरेजर आप इसके भी अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से आप ऐसे इरेजर लेंगे तो लेने के बाद आप इसके ऊपर जस्ट अप्लाई कर देना, ये निकाल दिया इसका रिजल्ट, ये देखिए बॉल का सिंबल बन गया। और अगर आप इसको ऐसे कर लें कि आप इसको यहाँ से ले लें और इसको ये ले लें तो 100% बॉल बन गई। ये चीज़ें आप बड़े आसानी से इरेजर कमांड से भी कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, बड़े ईजीली हो जाए। एस कम्पेयर टू इरेजर कमांड के हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है नाइफ कमांड, तो वो इस तरह से काम करती है या नाइफ के सीजन में भी कुछ माइनर सा डिफरेंस है। अगर आपका एक ऑब्जेक्ट है क्रिएटेड है और जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ हुआ है उसको आप दो पीस पे कन्वर्ट करना है लेकिन बीच में गैप भी देना, तो कहते हैं कि आप यहाँ से जो है नाइफ कमांड का यूटिलाइज करें। नाइफ कमांड को इस तरह से काटेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कट क्या देते हैं कट क्या देते हैं ना देते हैं और कट इसके बाद आप बड़े आसानी से इसको यहाँ से बदल दे पीसेस को भी बदल कर दे, लेकिन अच्छी बात यह है कि इनके दरमियान में गेप नहीं रहता, इतने का गेप आ जाता है कि रेजर कमांड से। ठीक है, बाद बात आपको जरूरत पड़ सकती है नाइफ कमांड की इस तरह से भी कि किसी कंप्लीट ऑब्जेक्ट को आपके बीच से कुछ इस तरह से काटना। ठीक है, लेकिन उसके लिए पहले सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करना लाजमी है और फिर आप यहाँ से जाके नाइफ कमांड को यहाँ से यूटिलाइज करें। ये देखिए परफेक्ट कटिंग के लिए दो पीसेस के इसमें आप बड़े अच्छे इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये बनाने के बाद आप इसके पीछे एक तो जो है कलर अप्लाई कर दें। ठीक है, और जैसे इस कलर को आप अप्लाई करेंगे ठीक है और उसको सब कुछ बैक कर दें, ठीक है, ये चीज आपकी बड़ी आसानी से इसके अंदर अचीव हो सकती है। ऐसा शेप जो आपको बनाने में टाइम लगे वो आप इस तरीके से ऐसा से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी नाइफ कमांड। अब जो है आपके पास फाइनल जो कमांड है वो रहेगी आपकी एक कमांड है वो है सीजर कमांड।
लिटिल बिट नाइस पे तो मार्केट का काम करते थोड़ा सा करके उसके उसको आप उसको